यूपी के बदायूं में पुलिस ने एक साइकिल की दुकान की आड़ में अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में पने व अधवनी असलाहों व उपकरणों के साथ तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें, इस्लाम नगर थाना पुलिस ने साइकिल की दुकान की आड़ में अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को सूचना मिली कि साइकिल मिस्त्री का कार्य करने वाला गांव का एक व्यक्ति दुकान की आड़ में अवैध फैक्ट्री संचालित कर नाजायज असला वगैरह सप्लाई करता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नियत स्थान पर दबिश देकर फैक्ट्री संचालक सहित तीन लोगों को थर थपोचा गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति गांव चंदोही के रहने वाले हैं और लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर नाजायज हथियार बनाकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से एक राइफल, तीन तमंचे व तीन अधबनी तमंचे, 315 बोर, दो देसी बंदूक, 12 बोर व कई पैनियाँ सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। सीओ अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही इनके अन्य साथियों को भी पुलिस तलाश में जुट गई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और रोचक देखें ताज़ा खबरें। भैया, ये चंदोई ग्राम में ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं, इससे बड़े हादसा होने की आशंका थी चुनाव के दौरान। दरअसल हमारे इंस्पेक्टर साहब को और जॉगिंग चार्ज को ये सूचना मिल रही थी कि अवैध शस्त्र बना के बेचे जा रहे हैं। इसके संबंध में इन्होंने दबिश दिया और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और कारतूस बरामद हुए हैं। मिस्त्री भी पकड़ा गया है और लोगों की लिस्ट तैयार है, जिन जिनको ये बेचते थे उनमें भी अग्रिम आगे कार्रवाई की जा रही है और इनको जरूरत पड़ेगी तो पुनः इनको कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा ताकि और लोगों से बरामद भी किया जा सके। बड़ी घटना की वो थी पंचायत चुनाव में, बड़ी घटना कर सकते थे। हाँ, पंचायत चुनाव में भी हो सकते थे। अवैध शस्त्र है, इस तरीके से इनका बनाने का है तो सारा इनका रैकेट के बारे में इंटीग्रेट कर दिया गया है। कहाँ से कच्चा माल लेते थे, कौन खरीदार थे, कौन बेचने वाले थे, इस तरीके से पूरा करके इनका फॉलो अप लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। ये फैक्ट्री के रूप में ही कार्य करते थे या क्या कहते हैं, लाते थे पहले? नहीं नहीं, ये फैक्ट्री के रूप में मिस्त्री है, ये स्वयं बनाता था। इसने पहले एक पुराना मिस्त्री था, वो मर गया फैक्ट्री में बैठा हुआ, गुलाम रसूल, उससे इसने ट्रेनिंग ली है। इसलिए साइकिल का मिस्त्री था, उसके बाद इसने बनाना शुरू कर दिया। राइफल भी बनाता है, SBBL सिंगल बैरल भी बनाता है, 315 तमंचा और 12 बोर तमंचा ही बनाता है। अभी कुछ और लोगों को भी पकड़ा जाएगा गांव में वहां पे? हाँ, अभी जैसे जैसे जितनी सूचना बताई है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।